हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा कंप्रेसर सीरीज का सेकंड वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। एक कंप्रेसर का पहला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या होता है। कंप्रेसर का मेन फंक्शन होता है कि जो भी हमारा वेपर और गैस होता है उसको कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर और उसके प्रेशर को हाई कर दे। सो एक्चुअली हम लोग तो एयर कंडीशनिंग फील्ड में हैं, एचवीएसी फील्ड में, तो हम उस व्यू से देखेंगे कि हमारे एयर कंडीशनिंग में क्या रोल होता है कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर जो होता है वो किसी भी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सबसे कॉस्टली और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। ओके, और कंप्रेसर का फंक्शन होता है कि वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को एवोपरेटर से खींचते रहता है ताकि हम लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हम एवोपरेटर में मेंटेन रख सकें। जिससे क्या होता है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर मेंटेन रखने की वजह से जैसे हीट एब्जॉर्ब करता है हमारा रेफ्रिजरेटर जो स्पेस होता है, हम तो उससे जब एवोपरेटर फैन जो होता है तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि वो बॉयल होने लगता है रेफ्रिजरेंट। उसके बाद क्या करता है कंप्रेसर, हमारा रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा देता है और वो कंडेंसर के इनलेट पे जाता है। उसके बाद क्या करता है कंडेंसर जो भी रेफ्रिजरेंट का हीट होता है वो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर देता है। देन वहाँ से कंडेंसर से वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है ये एक वर्क हॉर्स की तरह है हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में, और ये मोस्टली यूज्ड कंप्रेसर है और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में। इसका कैपेसिटी रेंज वैरी करता है, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 1 वाट से लेके 100 किलोवाट तक वैरी करता है। एंड मॉडर्न डे का जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो बहुत ही हाई स्पीड का होता है, 3000 to 3600 RPM होता है इसका रिवॉल्यूशन पर मिनट। और इसके टाइप्स भी होते हैं जैसे सिंगल एक्टिंग, सिंगल और मल्टी सिलेंडर होता है, अप टू इसके 16 सिलेंडर तक होते हैं। जैसे ये सिलेंडर तो ये एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का स्कीमेटिक ड्राइंग दिया हुआ है जिसमें आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है। उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड के बाद एक क्रैंक होता है, क्रैंक शाफ्ट होता है, ये क्रैंक शाफ्ट होता है। ये बैलेंसिंग वेट है, ये जो वेट दिखाई दे रहा है आपको ये बैलेंसिंग वेट है, ये शाफ्ट है जिस पर हमारा क्रैंक घूमेगा, ये क्रैंक हो गया और ये क्रैंक पिन है। और सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में एक सक्शन वाल्व होता है, एक डिस्चार्ज वाल्व होता है। तो आइए इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो मैंने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एनिमेटेड वीडियो भी डाल दिया है और इस वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके पिस्टन क्रैंक शाफ्ट कैसे घूमते हैं और इसका सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व कैसे ओपन होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मैंने पार्ट्स तो बता ही दिया कि क्या क्या होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन क्या होता है कि मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे घूमते रहता है विद सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व, ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट वेपर का जो सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर है उसको अचीव कर सके। और इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सिमिलर टू टू स्ट्रोक इंजन के तरह होता है। ओके, जैसे सक्शन एंड डिस्चार्ज कंप्लीट हो जाता है, अगर आपका क्रैंक शाफ्ट अगर एक ही रिवॉल्यूशन करता है तो आपका सक्शन और डिस्चार्ज दोनों कंप्लीट हो जाता है एक ही रिवॉल्यूशन में। सक्शन साइड
इसका कनेक्ट होता है इवोपरेटर से, इवोपरेटर के एग्जिट से, और इसका कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज साइड होता है वो कंडेंसर के इनलेट से कनेक्ट होता है। इसका सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व ओपन एंड क्लोज होते रहता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जैसे हमारा पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो सक्शन वाल्व खुल जाता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, एंड जैसे हमारा पिस्टन कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि हमारा सक्शन वाल्व बंद हो जाता है और डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है। A reciprocating compressor compresses refrigerant vapor in a cylinder using a piston. In a way, reciprocating compressors are like automobile engines. The pistons are directly driven through a wrist pin and connecting rod from a crankshaft. Depending on their size, reciprocating compressors may have one or more cylinders. Multiple cylinders may be arranged in line, opposed, or in a V. In each cylinder, reciprocating compressors have both a suction valve and a discharge valve. These valves give the compressor its ability to pump refrigerant vapor against a pressure difference. They are usually located in the head of the cylinder, in passages connected to the high or low pressure side of the system. Let's follow the compression process in a single cylinder reciprocating compressor during one complete revolution of the crankshaft. Starting with the piston at the top of its stroke, or at top dead center, the piston begins to move downward as the crankshaft rotates. Because both valves are closed, the downward moving piston reduces the pressure in the cylinder. As the pressure in the cylinder falls below the low side pressure in the suction line, the pressure difference opens the suction valve, letting refrigerant vapor flow into the cylinder. The piston continues down and pulls in more vapor until the cylinder is filled with low pressure vapor at the bottom of its stroke. Once past bottom dead center, the piston begins its upward stroke. The suction valve closes. As the piston moves up, it reduces the volume of the space in the cylinder, increasing the pressure of the vapor. When the pressure in the cylinder exceeds the high side pressure in the discharge line, the pressure difference pushes the discharge valve open, letting the compressed vapor flow out of the cylinder. This continues until the piston reaches the top of its stroke and most of the compressed vapor has been expelled into the discharge line. When the piston begins its downward stroke, the discharge valve closes. The complete cycle then repeats during each revolution of the crankshaft. This is the mechanical positive displacement vapor compression cycle using a reciprocating compressor. So, ये reciprocating compressor का working था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरा नेक्स्ट वीडियो का। सो थैंक यू।